रियल में आपको अच्छा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं तो सोचती हूँ अगली बार फिर से मिलना है। तो ये सुना मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हेलो गाइस, दिस साइड यश भैया एंड यू आर वाचिंग कोटा राइडर्स। और आज अपने वन डे वन फॉलोवर मीटअप टास्क का आज है 31वां दिन और उसमें आज सेलेक्ट हुए हैं अपने इंस्टाग्राम फॉलोवर भाई हरिओम मीणा, जिन्होंने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करी है माँ त्रिकुटा के आसपास। तो अभी अपन भाई से मिलने के लिए माँ त्रिकुटा पहुँच रहे हैं और भाई लोग आप सबके प्यार और सपोर्ट से आज अपने 10K हो जाएंगे। तो 10K पर अपन को क्या करना चाहिए, मुझे आप कमेंट में अपनी सलाह दें। और जिस भाई ने अपने 30वें दिन का व्लॉग नहीं देखा है वो अपने यूट्यूब चैनल कोटा राइडर्स पर जाकर सब्सक्राइब कर ले और अपना व्लॉग देखे और कमेंट में जरूर बताएं आप लोगों को कैसा लग रहा है अपना मीटअप टास्क। और मेरे उन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी मुझसे मिले नहीं है पर डेली मेरी रील शेयर करते हैं और मुझे कमेंट करते हैं, उन भाइयों का बहुत बहुत आभार भाई, दिल से बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। क्योंकि असली सपोर्टर वही व्यक्ति होता है जो आपके मुंह पे नहीं आपके पीछे भी आपका कभी साथ नहीं छोड़े। और भाई हरिओम मीणा ने क्या है मैसेज कर करके क्या है कमेंट बॉक्स की बत्ती बुझा दी थी। तो अब क्या है हरिओम मीणा भाई को तो मैं इग्नोर ही नहीं कर पाया कि भाई का तो क्या है जल्दी से जल्दी मिलकर आते हैं, देखे भाई क्या कहना चाहता है। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई हरिओम मीणा, आज मेरा 31वां दिन सफल बनाने के लिए आपने बहुत योगदान किया। कश्यप बचक रहे हो तू? हेलो गाइस, दिस साइड यश भैया एंड यू आर वाचिंग कोटा राइडर्स। और आज अपन हरिओम मीणा भाई के पास आए हैं जिन्होंने क्या है यहाँ आते ही अपन को क्या है झटका दे दिया। मुझे लगा था हरिओम भाई अकेले होंगे पर हरिओम भाई क्या है पूरी सेना लेकर बैठे हैं अपने स्वागत के लिए। तो भाई हरिओम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद 31वें दिन के मीटअप को सफल बनाने के लिए। भाई ने आज अपन को काफी अच्छा सरप्राइज दिया है और सरप्राइज के साथ में 10K की फैमिली भी कंप्लीट हो चुकी है इंस्टाग्राम पर। तो भाई क्या है अपने लिए कम से कम बहुत अच्छे साबित हुए भाई। और वो रहता है ना क्या कहते हैं उसको पनौती तो यार जो अच्छा है। तो एक बार मैं सबका एक बार नाम पूछता हूँ, इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले ठंडी रोटी वाले भाई का नाम पता करते हैं, ये क्या है बड़ी ठंडा है इनके काफी सारी देर से। सुबह क्या गया था नाश्ते में? पोया गया सुबह, ठंडा पोया खा लिया इन्हें सुबह। तो नाम बताओ भाई। दीपक, कार्तिक, संदीप, नरेंद्र कुमार। और आप लोगों ने भाई लोगों के नाम तो सुन ही लिए होंगे, अब भाई लोगों से पूछते हैं ये अपन को कितने सारे दिनों से देख रहे हैं? 4-5 महीने हो गए। अरे कैसा लगता है? बढ़िया। आप ही मुझे बोलो, मेरे को तो कॉमेडी वीडियो आप बोलते हो ना उसके फैन हूं मैं तो। अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, भाई के साथ एक साथ ही जुड़ा हो गया छोटा सा। और अपने ये भाई क्या है फॉलोवर नहीं थे तो इनको क्या है बोलने में शर्म आ रही थी, तो मैंने इन भाई से बोला कि जान पहचान के लिए फॉलोवरशिप होना जरूरी नहीं है, अगर भाईचारे की तरफ से बोलेंगे तो हर एक जान पहचान भी हो जाती है। तो कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा लगा भाई। तो यश भैया के बारे में कुछ कहना चाहोगे? बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा है। और कुछ कहना चाहते हो? गाड़ी तो एक नंबर लग रही है भैया। और भाई तो मेरे बारे में कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा है। कैसा लगा मिलकर? एक नंबर मजा आया एक नंबर सही है। तुम्हें कैसे लगा? हमें भी अच्छा लगा। और मेरे फॉलोवर जो अपन के 10K की फैमिली हो गई उनको कुछ कहना चाहते हो? उनको तो यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छे हो आप। और और तो तू बोली शांति अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो बहुत अच्छे काम कर रहे हो आप। तो जैसे मैं आप लोगों से मिलता हूँ तो आप लोगों को बुरा तो नहीं लगता? नहीं लगता बुरा, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। क्योंकि मुझे 4-5 दिन का कमेंट का क्या है वेट करना पड़ता है क्योंकि मुझे पता नहीं होता है कि 1-2 दिन में जो आदमी मुझे फॉलो कर रहा है वो कैसा है। तो जब तक 4-5 दिन तक कमेंट नहीं आते ना तब तक क्या है विश्वास नहीं होता है। और भाई यश भैया के बारे में क्या विचार है आपके? यश भैया ऐसे लाइक सपोर्ट और कमेंट बनाए रखे, यश भैया को बढ़िया प्यार दे। और यश भैया बड़े दिलदार आदमी है एकदम मस्त। अरे बात करते हैं और ऐसे ही उनकी फैमिली बढ़ती रही, यूट्यूब फैमिली, इंस्टा फैमिली वगैरह सब सपोर्ट करें। वैसे अपना ये जो डेली व्लॉग है ये फुल व्लॉग डेली यूट्यूब चैनल अपने कोटा राइडर्स पर आता है। और अपने दो सिस्टर भी यहाँ पर है, अब इनसे भी बात करते हैं। आप हमें फॉलो करते हैं? हाँ कर लेंगे ना। अभी नहीं किया, मैं तो बाइक लाना चाहती हूँ। भाई सिस्टर का सपना पूरा जरूर होगा, आप लोग भी सपना देखना शुरू कर दे आपका भी पूरा हो जाएगा, पर सपना देखना जरूरी होता है। आप मुझे फॉलो करते हैं? तभी तो नहीं किया लेकिन कर लूंगी यार। तो बस आज अपने 2 फॉलोवर और जुड़ गए नए। फॉलोवर क्या भाई, ने जुड़ गई 2, समझ रहे हो? अपने फॉलोवर नहीं है भाई, चारा सिस्टम है। तो मुझसे मिलके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और भाई अब मेन मुद्दे वाले आदमी से बात करते हैं जिसने यहाँ पर अपन को बुलाया भाई। तो भाई मुझसे मिलकर कैसा लगा आपको? बढ़िया।
और मेरे बारे में कुछ कहना चाहोगे? तो कुछ नहीं भाई, आपके 10K सब फॉलोअर्स हो रहे हैं, अब नेक्स्ट मंथ तक 20K हो जाने चाहिए। सारे भाइयों से ये कहना है, तो मेरे क्या है जितने भी फॉलोअर है ये क्या है रीले कम शेयर करते हैं, तो शेयर कम क्यों करते हैं, इस चीज पे कुछ कहना चाहोगे? शेयर किया करो भाई, तो सपोर्ट बनाए रखो भाई पर ज्यादा से ज्यादा। देखो भाई, लोग शहर वालों का पता नहीं है, गाँव वालों की बात में भी दम होता है, उनके बोलने में भी दम होता है, जबान में भी दम होता है, संस्कारों में भी दम होता है, बाजुओं में भी दम होता है। भाई का टोला तो दिख ही रहा है, फिर 18 इंची तो भी है, फिर 22 इंची भी हो सकता है भाई का। तो भाई तुम्हें बाइक कैसी लगती है? एक नंबर। वैसे मैंने इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया वो बस और रेड है। और भाइयों से क्या है, एक स्पेशल बात पूछते हैं अपन भाई, हेलमेट है नहीं है तुम्हारे पास? 3 जो भाई लगाओ भी चौक न लगाओ कैसे बताओ, लगाओ को नहीं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दूसरे से भी ये बोलेंगे कहीं भी जाओ उससे हेलमेट लगा के जाना, आपकी सेफ्टी रहेगी उसमें। सही है। और तुम लोग जब बाइक खरीद लो, हम तो चलाते हैं पर ऐसी चलाई नहीं, बाइक चलाने आती है भाई। क्या है पहली बात तो ये है कि ये सिस्टर बहुत तेज है, इनको बाइक चलाना ऑलरेडी आता है, बस इन्होंने ये वाले फ्रेम की गाड़ी नहीं चलाई है। सिस्टर कुछ कहना चाहती है तो जरूर बोले आप। यस भैया को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, जो लड़कियां है ऐसे बिना मतलब को फॉलो करते हैं, कम से कम इनको तो फॉलो कर दे और भाई का सपोर्ट बढ़ाए। रियल में आपको अच्छा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैं तो सोचती हूँ अगली बार फिर से मिलना। मैं तो तुम्हें मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। यस भैया को और पब्लिक को फॉलो करना चाहिए? करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे। सपोर्ट करे नहीं करे? करना चाहिए। तो जो नहीं कर रहे उनके लिए कुछ कहना चाहोगी? हाँ, इनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे। तो आज अपन को दो सिस्टर का आशीर्वाद मिल ही चुका है, अब बाकी सिस्टर्स कब दे रही है आशीर्वाद ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आज जो अपना ये व्लॉग है ये शाम को 8 बजे अपने यूट्यूब चैनल कोटा राइडर्स पर आ जाएगा, तो जिसको देखना है वो तो 8 बजे रात को तैनात हो जाए, और जिसको करना है मीटअप अपनी रील पर कमेंट करे। तो जैसे आज भाई से मुलाकात हुई है तो कल आपसे भी मुलाकात हो सकती है, और बाकी पूरी पब्लिक को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।